एक खूबसूरत सा जंगल में बुलबुल कबूतर अपने बेटे के साथ में रहती थी। बुलबुल कबूतर का पति का मृत्यु हो चुका था। बुलबुल कबूतर और उसके बेटे का जंगल के सारे पक्षी बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बुलबुल कबूतर बहुत गरीब थी। उसके पास ना कोई घर था रहने की, ना ही उसके जंगल में दाना था। एक दिन की बात है, बुलबुल कबूतर के पास मिठू रानी अपने बेटे के साथ में आई। फिर तोते ने कहा, अरे बुलबुल, तुम ऐसे जिंदगी क्यों अपने दुख में बिता रही हो? तुम अपने बेटे के साथ में आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती हो? तुम मेरा मजाक बना रही हो। माना कि मेरे पास घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पर तुम देखना, मेरी मदद करने कोई ना कोई जरूर आएगा। फिर मेरी घर की सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम किसी की मदद भी नहीं करना चाहती हो तो मजाक भी नहीं बनाया करो। तुम्हें कोई हक नहीं है मजाक बनाने का, समझ गई? अब तो यहाँ से जाओ। ठीक है बुलबुल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा ठीक तो मजाक बना रही हूँ। तुम इस जंगल के बोझ बनकर क्यों अपने बेटे के साथ में पड़ी हो? अगर तुम आत्महत्या कर लोगी तो कम से कम इस जंगल का थोड़ा जगह तो खाली हो जाएगा। बस करो तुम, तुम्हारी बकवास मुझे नहीं सुनना है। तुम यहाँ सभी कभी निकल जाओ अपने बच्चे को लेकर। क्यों बुलबुल जी, मेरी बात ज्यादा कड़वी लग गई? ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं चली जाती हूँ अपने बच्चे को लेकर। बस मेरी आखिरी इच्छा है, तुम आत्महत्या कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ फिलहाल के लिए। अपना ध्यान रखना, फिर मैं बाद में आऊंगी जब तुम आत्महत्या कर लोगी, तब तुम्हारा मातम मनाने। ठीक है बुलबुल जी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर तोता वहां से चला जाता है। फिर कबूतर के बेटे बोलता है मोनू, ये मीठू आंटी हम लोग का कितना मजाक बना रही थी माँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था माँ। मुझे तो लग रहा था कि इसे मार करके यहाँ से भगा दूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, अभी हमारे घर का हालात अच्छा नहीं है ना, इसलिए सब पक्षी हमारे घर आते हैं और हमारा मजाक बनाकर चले जाते हैं। वो लोग को तो आदत बन चुका है बेटा, गरीबों का मजाक बनाना। अच्छा, दूसरों की बातें छोड़ो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना जोर से? मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। भोजन मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर के आऊंगी। हाँ माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइएगा जरूर माँ। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर कबूतर भोजन की तलाश में निकल जाती है। वह उड़ते उड़ते बहुत दूर तक पहुँच जाती है। फिर भोजन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वह थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो भोजन ही नहीं मिल रहा है। मेरा बेटा भी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर से इतनी कड़ी धूप भी निकली हुई है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपने बच्चे के लिए। हे ईश्वर, मेरी अब कितनी परीक्षा लेंगी, मेरे घर में कब खुशी आप देंगे ईश्वर? खैर, ये सब छोड़ते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। थोड़ी दूर और उड़कर देखती हूँ, शायद मुझे थोड़ा भोजन मिल जाए अपने बच्चे के लिए। इतना बोलकर फिर से कबूतर उड़ने लगती है। उसे उड़ते उड़ते अचानक से जमीन पर थोड़ा सा भोजन दिखाई देता है। वह झट से जमीन पर आती है और भोजन उठाकर तुरंत तेज उड़ने लगती है। वह उड़ते उड़ते अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये लो मेरा बच्चा भोजन, सिर्फ थोड़ा सा ही मिला है, तुम ये भोजन खा लो, मैं भूखी रह जाऊंगी। कल मैं फिर भोजन लाने जाऊंगी तो शायद मुझे थोड़ा ज्यादा भोजन मिल जाएगा, तो मैं कल कर लूंगी। ठीक है मेरा बच्चा, तुम खा लो। मोनू को बहुत जोर से भूख लगी थी, वह झट से भोजन खा लेता है। फिर दोनों पक्षी सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। सुबह मोनू जल्दी उठ जाता है। बुलबुल कबूतर अभी तक सोई थी। ये सब देखकर मोनू ने कहा, माँ उठो माँ, तुम अभी तक क्यों सो रही हो माँ? कुछ तो बोलो माँ। बेटा, मुझे थोड़ा सा भी ताकत नहीं मिल रहा है उठने का, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है बेटा। शायद मुझे लगता है कि मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है ना, इसलिए बेटा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ भोजन लाने। इतना बोलकर मोनू भोजन की तलाश में तुरंत निकल जाता है। वह उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी वह थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ पर बैठता है,
पेड़ के नीचे से कुछ अजीब आवाज उसे सुनाई देता है। ये आवाज सुनकर वह तुरंत पेड़ के नीचे आता है। ये सब देखकर वह हैरान हो जाता है कि किसी पक्षी का इतना लंबा पैर कैसे हो सकता है। आप कौन हैं? आपका इतने लंबे पैर कैसे हो गया? मेरे लंबे पैर एक जादुई पैर है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपने दोनों लंबे पैरों से दाना भी नहीं चुग पाती हूँ। मुझे बहुत मुश्किल होता है दाना चुगने में। तुमने मेरा आवाज सुना, लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम मुझे अपने घर ले चलो, इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा जादुई लंबे पैरों से फल दूंगी। ठीक है, तब आप चलिए मेरे घर। मेरी माँ 4 दिन से कुछ भी नहीं खाई है। आप अपने जादुई लंबे पैरों से मुझे फल दीजिएगा ताकि मेरी माँ वो फल खाकर तुरंत ठीक हो जाए। चलिए जल्दी मेरे घर। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। टूनी को देखकर कबूतर ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो मेरे बेटे के साथ में? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इसके बदले में तुम लोग को मेरी सेवा करनी होगी। मेरे लंबे पैरों से मुझे दाना चुगने नहीं बनता है। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, तुम जल्दी से फल खा लो। तुम बहुत कमजोर दिख रही हो, ये लो फल। कबूतर तुरंत टूनी के दिए हुए फल खाने लगती है। आज आपने मेरी जान बचा ली। सच में आप मेरे घर एक ईश्वर बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बस करो मेरी तारीफ करना। तुम अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। ये दिल का बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। इस जंगल में तुम लोग को सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। अब भोजन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा तुम लोग को। तुम जो कुछ भी इस जंगल से मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। बस मैं देखना चाहती थी तुम लोग मेरा मदद करते हो कि नहीं। मैंने जो बोला था तुम लोग तैयार हो गए। तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो। अब तुम लोग को भोजन की कमी नहीं होगी इस जंगल में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों पक्षी खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।